बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ तहजीब खान फ्रॉम पैराडाइज हो। सो गाइस, अगर आप पुश नोटिफिकेशंस का बैक एंड और फ्रंट एंड इम्प्लीमेंट करना चाहते हो, तो मैंने फ्रंट एंड को रिएक्ट में इम्प्लीमेंट किया है, वो भी वाइट के साथ। मतलब जैसे हम नॉर्मली रिएक्ट प्रोजेक्ट सेटअप करते हैं, हमने इसको वाइट के साथ सेटअप किया। बिकॉज मैं जब भी नॉर्मली प्रोजेक्ट सेटअप कर रहा था रिएक्ट का, मुझे कुछ एरर्स आ रही थी, उसको मैं सॉल्व नहीं कर पा रहा था, इसलिए मैंने इसको वाइट के साथ सेटअप किया। वो प्रॉब्लम्स क्या है, उसको कैसे रिजॉल्व करना है, हम आगे किसी वीडियोस के अंदर समझेंगे उस चीज़ को। तो अभी मैंने जो सेटअप किया है वो रिएक्ट विद वाइट के साथ किया हुआ है, और इसका जो बैक एंड है वो मैंने नोड के अंदर लिखा हुआ है। तो ये मेरा फ्रंट एंड साइड, ये बैक एंड, ये फ्रंट एंड साइड है मेरा, और ये मेरा बैक एंड साइड है। ये दोनों जो कुछ दो कोड हैं, दोनों फ्रंट एंड और बैक एंड के, आपको गिटअप के अंदर मिल जाएंगे। मैं अगर पॉसिबल होगा तो मैं नीचे कमेंट सेक्शन में डालता रहूँगा, ठीक है? तो वहाँ से आप कॉपी पेस्ट कर लेना। सबसे पहले आप अगर इसको रन करोगे, सबसे पहले तो आप इस जो सब्सक्राइब बटन है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले आप जब भी आप इसको रिलोड करोगे तो आपको दिख रहा है इधर टोकन मिल रहा है, आपको लिखा है टोकन जनरेटेड। आप इसको सिंपली कॉपी करेंगे, आपने अपना जो जो बैकएंड है वो आपको अपना रन कर लेना है। जैसे हमारा यहाँ पर रन हो रहा है, अब मैं पोस्टमैन में जाऊंगा, ठीक है? पोस्टमैन में आपको ये इस तरह से आप आपको अपने बॉडी में पास करना है। आप जाएंगे बॉडी में, पोस्ट की एपीआई होगी, बॉडी में जाएंगे, उसके बाद रॉ में जाएंगे, उसके जेसन पे जाएंगे, ठीक है? और यहाँ पर आप टोकन डालेंगे अपना, जो भी आपने टोकन यहाँ पर आपको मिला है फ्रंट एंड से, वो टोकन आप यहाँ डालेंगे, ठीक है? अब मैं इसको थोड़ा साइड बाई साइड करता हूँ, थोड़ा सा और छोटा करता हूँ, ये बटन चला गया है। चलो ठीक है, ठीक है, अभी मेरा टोकन पड़ गया। अब जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा, मैंने फ्रंट एंड बैक एंड पे कुछ किया, मतलब पोस्टमैन से कोई एपीआई हिट की, और यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमारे पास यहाँ पर लिख रहा है टेस्ट नोटिफिकेशन। यहाँ पर मैं टाइटल डाल लूँगा, पैराडाइज सोप, और बॉडी के अंदर मैं लिख दूँगा प्लीज सब्सक्राइब, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, ठीक है? ये हो गया। अब मैं, क्योंकि हमारी जो की है वो सेम ही रहेगी, अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर हमने सेम एप्लीकेशन को, मतलब जो फ्रंट एंड एप्लीकेशन अभी मैंने इस पोर्ट पर रन किया हुआ, अगर मैं कोई दूसरे पोर्ट पर इसको रन करूँगा तो वहाँ पर ये जो की है वो डिफरेंट जनरेट होगी, ठीक है? तो अभी मैंने इसको यहाँ पे रन किया, तो आप देख रहे हो यहाँ पर लिख के आ गया नोटिफिकेशन पैराडाइज होप। तो यहाँ पर जो मैंने फ्रंट एंड में जो किया हुआ है, फ्रंट एंड साइड में जो मैसेजिंग है, मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। अब मैं दोबारा सेट करूँगा, क्योंकि वहाँ पर जो टेक्स्ट था वो काफ़ी बड़ा आ रहा था। अब देखो लिख क्या रहा, पैराडाइज हो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। अब अगर मैं इसको किसी और टैब में खोलता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पर मैंने इसमें खोला, अब मुझे पैरेलली तीन और दिखाना पड़ेंगे, तीन चीज़ें, ये रहा एक, ये रहा, ऐसे कर लेते हैं, ठीक है? ऊपर यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। अब ये मेरा पोस्टमैन रहा, अभी मैं इसको यहाँ से हिट मारता हूँ, तो आप देखोगे हमारे पास दोनों एक साथ आ रहे हैं। लेकिन जब भी हमारे पास नोटिफिकेशन, हमें पर्टिकुलर एक यूज़र को अकॉर्डिंग टू उसकी यूज़र आईडी, या फिर जो भी हमारे पास नंबर ऑफ़ यूज़र्स जो हमने सेलेक्ट किया, उनको ही नोटिफिकेशन जाना चाहिए, तो वो कैसे करेंगे? तो अभी मैं इसी वाइट प्रोजेक्ट को, रिएक्ट वाइट को मैं दोबारा से npm रन dev करता हूँ। तो अब क्या होगा, हमारा जो दूसरा प्रोजेक्ट है वो दूसरे पोर्ट पर रन हो रहा है। अब यहाँ पर आप देख रहे हो ये दूसरे पोर्ट पर रन हो रहा है, ठीक है? तो हमारा एक पहला प्रोजेक्ट ये है जिसमें 73 है, और दूसरा प्रोजेक्ट हमारा 74 वाला। अब मैं इसकी भी जो, इसकी जो जो टोकन है, FCM जो आईडी है वो डिफरेंट होगी, ठीक है? अब मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ,
कॉपी कर लिया मैंने। कुछ समझ नहीं आ रहा तो नीचे कमेंट कर दो, मैं आपको हेल्प कर दूंगा, ठीक है। ये रहा, क्योंकि एक पोर्ट मेरा ऑलरेडी चल रहा है तो मैं इसको यहाँ से बंद करता हूँ। तो सेम, अब ये दो डिफरेंट पोर्ट है, पहले क्या था, दो डिफरेंट सेम पोर्ट थे लेकिन डिफरेंट डिफरेंट विंडोज़ पे थे, डिफरेंट डिफरेंट टैब पे थे। अब डिफरेंट डिफरेंट पोर्ट हैं और डिफरेंट डिफरेंट विंडोज़ हैं। अभी मैं सेम एपीआई को हिट करूँगा इस वाले के लिए, 73 जो पोर्ट नंबर है हमारा। अब देखो कि आप इस पे आया लेकिन इस पर नहीं आया, बिकॉज मैंने उसकी यूज़र जो टोकन है मैंने वो नहीं डाला। अब मैं इसका टोकन यहाँ से मैंने जो कॉपी किया है, कहाँ से, इसके कंसोल में जाके आप कॉपी करेंगे। तो ये कॉपी करके मैं इसको यहाँ डालूँगा, यहाँ इसको पेस्ट किया। मेरा दूसरा वो कहाँ है विंडो, ये दूसरा ये रहा, ठीक है। एक पोर्ट ये और एक पोर्ट ये। अब मैं दोबारा से हिट करूँगा तो आप देखोगे ये जो एपीआई है वो इस पर्टिकुलर पोर्ट के लिए हिट हुई है, बिकॉज मैंने इसका टोकन यूज़ किया। अब आप इनकमिंग मैसेजेस में देख सकते हो बहुत सारी चीज़ें इसमें प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं कि किसने कॉल किया, उसका ऐप और कॉन्फ़िगरेशन वगैरह क्या था, वो सारी चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। ये तो हो गया किस तरह से इसको हिट करना है। अगर आप अपना जो टेस्ट करना चाहते हो अपने फायरबेस से, तो वहाँ से कैसे करोगे? अभी तो मैंने फायरबेस की लाइब्रेरी यूज़ करके मैंने बैकएंड में इस पर इम्प्लीमेंट किया है, लेकिन आप बैकएंड इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहते हो, उसको टेस्ट करना चाहते हो कि ये हमारा सही से प्रॉपर चल रहा है या नहीं चल रहा, उसके लिए आपको क्या करना है। सबसे पहले मैं इसको खोलता हूँ, सबसे पहले आपको आना है अपने, क्योंकि UI थोड़ी बहुत चेंज हो चुकी होगी अगर पुराना आपको देख रहे हो तो सबसे पहले आपको मैसेजिंग में आना है। मैसेजिंग में आ गए आप, आपको अपना प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना है। जैसे मेरा यहाँ पे हैकाथॉन 2021 का प्रोजेक्ट है, यहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट होंगे आपके पास, जैसे देख सकते हो ये पैराडाइस हो, वेंडिंग मशीन, फायर बेस हैकाथॉन, यूनिटी। आपको अपना जो भी प्रोजेक्ट है वो उसको सेलेक्ट करना है, उसके बाद मैसेजिंग में जाना है और क्रिएट योर फर्स्ट कैंपेन में जाके यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक किया आपने, मैं पहले आपको यहाँ से कैंपेन रन करके दिखाता हूँ। यहाँ से किया क्लिक, अब मैं इसको थोड़ा मिनिमाइज़ कर लेता हूँ। अभी मैंने जो कॉपी किया था ये कॉपी किया था, मैं अब चाहता हूँ कि इसके ऊपर हमारे पास UI के थ्रू हमारे पास आए। हमें ये वाला भी इसको यहाँ रख देता हूँ, दोनों पैरेलल रख दिए मैंने ताकि आपको लगे दिखे कि दोनों पोर्ट अलग अलग हैं, दोनों पर नहीं आएगा, जिसका मैं ID पास करूँगा उस पर आएगा। मैं इसका टाइटल लिख देता हूँ, हेलो IM तहजीब, ठीक है। नोटिफिकेशन में मैं लिख देता हूँ React.js डेवलपर, जो नोटिफिकेशन टाइप React.js डेवलपर, ठीक है। अब टेस्ट पे गया, यहाँ पर मुझे ये ऑलरेडी मैंने डाला हुआ है, तो अभी ये जो है इसका है, मैंने पहले टेस्ट किया हुआ था, ठीक है। आपको यहाँ पर डालना है, ऐड पे जाना है, इस पर क्लिक करेंगे तो एक हमारे पास ऐड हो गया है FCM रजिस्ट्रेशन टोकन, ठीक है। मैंने इस पर यहाँ पर क्लिक किया, देखो ऊपर आ गया हेलो IM तहजीब React.js डेवलपर, जो कि मैंने यहाँ डाला था, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि इस वाले को, अगर ऑलरेडी यहाँ सेव हो चुका है, अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो टेस्ट करूँगा, थोड़ा टाइम लेगा बिकॉज ये इंटरनेट से चलता है। आई गेस इसका टोकन शायद डिफरेंट है, मैं यहाँ से दोबारा से इसका टोकन कॉपी कर लेता हूँ। ये टोकन यहाँ से मैंने कॉपी कर लिया, इसको बंद कर देता हूँ। इसको मैं, ये वाला पुराना है उसको डिलीट किया, मैंने नया डाला, ये हो गया। ये देखो यहाँ पर आ गया हेलो IM तहजीब React.js डेवलपर। अगर मैं चाहता हूँ कि इन दोनों पे नोटिफिकेशन एक साथ आए, क्योंकि हो सकता है दो डिफरेंट डिफरेंट यूज़र हो सकता है, क्या होते ही है डिफरेंट डिफरेंट पोर्ट पे, तो अब मैंने यहाँ पे मारा तो देख सकते हो दोनों पर आ गया। तो थैंक यू सो मच। अच्छा एक चीज़ और भी बतानी रह गई, आपको प्रोजेक्ट का सेटअप कैसे करना है। सेटअप के लिए आप अपने फायरबेस में आओगे तो आपको ये जो क्रेडेंशियल्स हैं ये वाले, ये कहाँ से मिलेंगे? आपको आना है अपने प्रोजेक्ट में, प्रोजेक्ट सेटिंग में,
मेक श्योर आपने ऊपर देख लो, मेरा हैकाथॉन 2021 का प्रोजेक्ट है, आना है। उसके बाद आप आएंगे, आप आएंगे क्लाउड मैसेजिंग, चलो सर्विस सर्विस अकाउंट पे आएंगे आप। थोड़ा सा लोड होने में टाइम ले रहा। पहले तो मुझे इंटीग्रेशन डेटा प्राइवेसी, एक मिनट जस्ट अ मिनट। आपको प्रोजेक्ट की सेटिंग के अंदर जाना है। आप जाएंगे तो हाँ, प्रोजेक्ट सेटिंग में जाएंगे आप। प्रोजेक्ट सेटिंग के अंदर आपको यहाँ पर ये जो आपको ये जो दिख रहा है, आप इसको यहाँ से सिंपली कॉपी करेंगे। अगर आपको ये नहीं दिख रहा तो आपको जब प्रोजेक्ट आप सेटअप कर रहे हो तो वहाँ पर आपको वेब के लिए सेटअप करना पड़ेगा, तो आप इसको उठा के सिंपली कॉपी कर देंगे। नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा डिटेल में, तो वहाँ पर आप देख लेना, ठीक है। आप उठा के यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देंगे फ्रंट एंड साइड में। फ्रंट एंड साइड में आपको एक चीज़ ये करनी है, दूसरी चीज़ आपको यहाँ पर ये जो आईडी है VAPID की, इसको कहाँ से आपको उठाना है। आपको जाना है सर्विस सर्विस अकाउंट के अंदर, लोड हो रहा है। अच्छा ये यहाँ ये तो इसके अंदर नहीं जाना है, मुझे जाना है, हाँ आपको जाना है क्लाउड मैसेजिंग। और यहाँ पर आपको जो है ना ये जो की है आपकी, ये आपकी ये वाली की है VAPID की, आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना। देख सकते हो ये पेस्ट है ऑलरेडी, मैं तो यहाँ पे पेस्ट करूँ तो आप देखो ये सिमिलर मेरी जो आईडी है वो वही है, ठीक है। आपको ये तो फ्रंट एंड साइड करना। फ्रंट एंड साइड आपको क्या करना है, दो चीज़ें करना है, आपको ये डालना है और दूसरा आपको इसकी जो क्रेडेंशियल है वो डालना है। इतना तो हो गया आपका फ्रंट एंड साइड। अब बैक एंड साइड की बात करें तो बैक एंड साइड हमारा प्रोजेक्ट कहाँ ये रहा। बैक एंड साइड में आपको कुछ नहीं करना, आपको ये जो फाइल है ये आपको डाउनलोड करके यहाँ पर डाल देंगे, नहीं तो आप ये फाइल क्रिएट करके ये कोड ये उठा के डाल सकते हो। ये आपको कहाँ से मिलेगा, आपको आना है अपने प्रोजेक्ट में। प्रोजेक्ट में आके प्रोजेक्ट सेटिंग में आएंगे, यहाँ पर क्या लिखा है जनरेट न्यू प्राइवेट की, आप इस पर ऐसे क्लिक करेंगे तो एक वार्निंग जैसी आएगी और यहाँ पर जनरेट करेंगे। आप देखेंगे यहाँ पर कुछ डाउनलोड होने लग जाएगा, देखो यहाँ पर कुछ डाउनलोड हुआ। ये जब डाउनलोड होगा इसका अगर आप खोलेंगे तो इसके अंदर इतना सारा डेटा होगा। आप इसको कॉपी करके चाहें तो इस तरह से अपनी ये इस नाम की कोई फाइल बना लें। जब इस नाम की फाइल बनाएंगे तो आप इसको यहाँ पर इम्पोर्ट कर लेंगे तो वहाँ पर यूज़ कर पाएंगे आप इसको। तो थैंक यू सो मच, आपको यहाँ पर पेस्ट करनी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगर आपको और वीडियोज इससे रिलेटेड चाहिए तो मैं बनाऊँगा आगे डिटेल में कि किस तरह से इसको यूज़ करना है, किस तरह से इसमें पुश नोटिफिकेशन करना है। लास्ट टाइम एक बार और आपको दिखा देता हूँ चला के, जैसे मैं यहाँ से हिट करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर ये आ चुका है 74 के लिए। अगर मैं यहाँ पर दोनों के लिए आ रहा है वाई, अच्छा एक के लिए आ रहा है, देखो यहाँ पर एक के लिए आ रहा है, दो के लिए नहीं आ रहा। तो थैंक यू सो मच, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।